to the book of Romans, chapter 12, and we're going to read verse 2. और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रोमियों के चैप्टर 12 का 2 वर्स 2 और उसकी दूसरी आयत. Now here Paul is speaking to the Roman church and he is instructing them that it is very important that they have to have a change of thinking. और यहां पर पौलुस जो है रोम की कलीसिया को प्रोत्साहित करता है और उनसे कहता है कि कैसे उनको वचन के अनुसार अपने मनों को परिवर्तित कर रहा है. And so he says to us in verse 2, he says, do not conform any longer to the pattern of this world. और यहां पर वो कहता है कि और इस संसार के सदृश ना बनो. From the moment that we were born again, God has designed for us to think differently. और जब से हम इस संसार में पैदा होते हैं, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारी सोच को हम बदलें. And so he wants us not to be thinking like we did in the world. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि जैसे हम संसार में रहकर सोचते थे, उस तरह की सोच को बदलना वो चाहता है. But he says that we will be transformed by the renewing of our mind. लेकिन वो वहां पर कहता है हमारे मनों को परिवर्तित करते हुए, उसको बदलते हुए हमें परमेश्वर की सोच को लाना है. He says if you will be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to perform the will of God. फिर वो कहता है जब हम अपनी मानसिकता को बदलते हैं तब उस समय हम परमेश्वर के सदृश बनते जाते हैं. So you and I, we need to teach the believers to mark this passage of scripture in their Bible and to understand it and to learn to think in the new way. और इसलिए हमें और विश्वासियों को हमें यह सिखाना है कि वो लोग इस आयत को इसको इस तरह से वो लोग केंद्रित करकर अपने बाइबल में कर दें कि वो लोग समझ पाए कि हमारे मनों को परिवर्तित करना कितना जरूरी है. So if you could put the on the screen now the teaching that we started with this morning. और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सुबह के सत्र में जो टीचिंग्स को हमने स्क्रीन पर डाला था, कृपया करके आप स्क्रीन पर डाल दें. We have many Christians who they continue to think like they are living under the old covenant. और कई विश्वासी ऐसे हैं, ऐसा जीते हैं जैसे कि आज भी वो पुरानी व्यवस्था के अधीन हो. So we are saying that tonight and in these meetings there is an upgrade available and you can download now while we're preaching. और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जब हम लोग इस शिक्षा को यहां पर दिखाते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं. It says please do not shut down while upgrades are in progress. और वहां पर लिखा हुआ है कि कृपया करके आप लोग शट डाउन ना करें जबकि अपग्रेड उपलब्ध है. So that means you are not allowed to nod off and go to sleep. और इसका मतलब यह है कि आप नींद में नहीं जा सकते, सो नहीं सकते हैं. You will not get the download properly. आपको यह डाउनलोड ढंग से नहीं मिलेगा अगर आप सो गए तो. Okay, moving on. Next one. आगे की ओर. Okay, we're dealing with the upgrading the thought life of the believer. यहां पर हम देखते हैं कि विश्वासियों की सोच में परिवर्तन और उसमें बेहतरी लाना जरूरी है. Christians suffering from old covenant thinking, and that's what we're dealing with tonight. और यहां पर हम जो जिस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं वो ये है विश्वासी लोग जो पुरानी व्यवस्था के अधीन ताकि अनुसार सोचते हैं उसको बदल के नए व्यवस्था के अधीन आना है. So the first thing we said was that the cross is the cut-off point and it's also the new beginning point. और क्रूस वो स्थान है जहां से हम अपने पुरानी जिंदगी को काट कर अलग करते हैं और नए सोच में प्रवेश करते हैं. Secondly, दूसरी बात, the personal infilling of the Holy Spirit is absolutely essential for every believer. हर एक विश्वासी को जरूरी है कि वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को पाए. If you and I want to think like God and act like Jesus, then we need the personal infilling of the Holy Spirit. अगर आपको और मेरे को हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह की सोच में चलें, यीशु मसीह का मन हमें प्राप्त हो, तो हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी जरूरी है. This means that God is living inside us. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे भीतरी में रहता है. He is never going to leave us. और परमेश्वर कभी हमें छोड़ने वाला नहीं है.
I am not down here on earth and he is up in heaven. That is not so. ये ऐसा नहीं है जैसे कि मैं पृथ्वी पर नीचे स्तर पर हूँ और परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है. But the Holy Spirit has made God present within my life and I live with him every day. और पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को इतना मेरे करीब कर दिया है कि वो मेरे भीतरी में रहता है और हर दिन वो मेरे संग रहता है. The third thing we said is that we have the mind of Christ. और तीसरी बात जिस पर हमने सोचा वो था मेरे पास मसीह का मन है. This is the teaching of the scripture, the New Testament. और ये जो है नए नियम की शिक्षा है मेरे भाइयों और बहनों. That means that God has made it possible for us to think just the same way that Jesus thinks. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमें ऐसी व्यवस्था दी है जिससे कि हम यीशु मसीह के समान सोचें. You and I can have the same thoughts about a problem that Jesus would have about it. और यीशु मसीह जिस समस्या से होकर गया और उसकी कैसी सोच थी वैसी ही सोच आपकी और मेरी भी हो सकती है जब हम समस्याओं से जाते हैं. But now I want to move on to the next point which to consider tonight. लेकिन मैं अगले बिंदु में जाना चाहता हूं आज रात. I'm suggesting that we should change our view of God's will. और हमें बदलना होगा इस सोच को कि परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके विषय में हमारी सोच को बदलना है. Because some of us think about God's will like we're always praying that somehow or other we could be in God's perfect will. और कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं फिर भी आप सोचते हैं कि काश बेहतर होता अगर मैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में होता. So we keep searching, we keep wandering around hoping that one day we'll be able to be in God's perfect will. और कई बार हम सोचते हैं हम प्रार्थना करते रहते हैं और सोचते हैं किसी दिन ऐसा होगा कि मैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में आ जाऊंगा. No, 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 that is wrong thinking. नहीं 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 मैं कहना चाहता हूं वो सही सोच नहीं है. From the day I was born again, I was in the center of God's will. Amen. जब मैं पैदा हुआ था, तो मैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में पैदा हुआ था. And if I ever step out of it, God will let me know very quickly. और जब कभी भी मैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से भटकता हूँ, तो परमेश्वर मुझे झटपट स्मरण दिलाता है कि मैं भटक गया हूँ. I'm living in the center of God's will all the time, and if ever I step out, the Holy Ghost will. और कभी भी अगर मैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से भटकता हूं तो पवित्र आत्मा मुझे तुरंत उसकी इच्छा में लेकर आता है. I no longer need specific little pieces of advice from God. I don't pray and ask for special little answers about things anymore. लेकिन अब जो है मैं छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर के पास नहीं जाता और परमेश्वर से नहीं कहता परमेश्वर इस विषय में मुझे अपनी इच्छा प्रकट कर और हर छोटी बात के लिए मैं परमेश्वर के पीछे गिड़गिड़ाता नहीं हूं. Now God says, "Whatever you choose, I will bless." और अब मेरे से परमेश्वर कहता है, अब तू जो कुछ निर्णय लेता है या इच्छा रखता है, मैं उस पर तेरी आशीष दूंगा. Because the Holy Ghost lives within me, I choose the right things that God wants. इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे भीतरी में है, अब मैं वो बातों को चुनता हूँ जो पवित्र आत्मा मुझसे चाहता है. And now, instead of wandering around all the time trying to find God's will, I take the next most obvious step, and then I know that is God's will. और मैं क्या करता हूँ कि मैं परमेश्वर की आत्मा के जरिए मैं परमेश्वर की बेहतर इच्छा में चलता हूँ और उसमें आगे बढ़ता हूँ. The Holy Spirit came upon King Saul before he became a bad king. He was a good king. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा साउल राजा के ऊपर उतर कर आया उस समय जब वो एक अच्छा राजा था जब वो बुरा राजा नहीं बना. And God said to him, He said, When the Holy Spirit comes upon you, you will be turned into another man. और परमेश्वर ने उससे कहा साउल जब मेरी आत्मा तेरे ऊपर उतर कर आएगी तू एक व्यत्यस्त व्यक्ति बन जाएगा. And then he said, And then the next most obvious for you, King Saul, will be the will of God. और फिर राजा साउल से परमेश्वर कहता है कि और अगली जो तेरे विषय में ये बात होगी कि तू मेरी सिद्ध इच्छा में चले. And that is how it is for the new creation people. और ये नए जो सृष्टि के लोग हैं उनके लिए है. So I do not spend my time in prayer, praying and hoping that one day I could find the center of God's will. तो इसलिए मैं प्रार्थना कर गिड़गिड़ाता नहीं हूँ कि परमेश्वर मुझे किसी दिन तेरी सिद्ध इच्छा में लेकर आ. Do you realize that is insulting God? और ये ऐसी बात है जैसे आप परमेश्वर की बेइज्जती कर रहे हैं. God sometimes says of these people, what is wrong with them? They're already in my will and they don't even know it. और कई बार परमेश्वर सोचता है कि ये लोग कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये लोग मेरी सिद्ध इच्छा में हैं, फिर भी अभी गिड़गिड़ाते और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे तेरी सिद्ध इच्छा में ले चल.
Look at this scripture. मेरे इस आयत की ओर ध्यान दे. In Matthew chapter 10, reading verse 7 and 8. मती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत. Jesus here gives us advice as to what we should be doing in our lives. और यीशु मसीह यहां हमें सिखाता है कि हम अपने जिंदगियों में क्या करें. It just says, and as you go. और वो कहता है कि जब तुम जाते हो. As you go anywhere. जहां कहीं भी तुम जाते हो. As you are planning to do anything. जो भी आप करने के लिए निर्णय लेते हैं. Here is his will. और यहां पर उसकी इच्छा को प्रकट किया है. He said, as you go, proclaim the kingdom of God. और वो कहता है जैसे तुम जाते जाते हो मेरे राज का प्रचार करो और प्रसार करो. So the will of God is always that we are proclaiming the will of God. और इसलिए जब कभी भी हम जाते हैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा की घोषणा करते हैं. We are always proclaiming the kingdom of God. हम लोग हमेशा परमेश्वर के राज की घोषणा करते हैं. Night and day. रात और दिन. But then Jesus tells us other things that are in the center of his will. और फिर परमेश्वर और कुछ बातों को हमें बताता है जो उसकी सिद्ध इच्छा में हैं. He says, as you go, heal the sick. और वो कहता है जब तुम जाते हो तो बीमारों को चंगा करो. As you go, cleanse the lepers. वो कहता है जब तुम जाते हो तो तुम कोढ़ियों को चंगा करो. As you go, raise the dead. और वो कहता है जैसे तुम जाते रहते हो बीमारों मुर्दों को जिलाओ. As you go, cast out demons. वो कहता है जैसे तुम चलते जाते हो तो दुष्टात्माओं को निकालो. You have received freely, so freely give. और यीशु मसीह कहते हैं तुमने मुफ्त में पाया है इसलिए मुफ्त में इसे दो. This is the lifestyle of the new creation believer. और एक नई सृष्टि की जो जिंदगी की शैली है वो इस तरह से होनी चाहिए. Okay, so if you stay in this position that you understand you are already in his will, then you can be productive. और जब आप इस बात को जान लेते हैं कि आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में पैदा हुए हैं, परमेश्वर ने आपको उसकी सिद्ध इच्छा में रखा है, तब आप बहुत फल लाते हैं. Because God loves to raise up mature Christians who take responsibility and who take action and who take initiative. क्योंकि परमेश्वर पसंद करता है जब हम परिपक्व हो जाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे जीवनों से फल उत्पन्न होता है. I was so glad when my daughters began to grow up and became more responsible. और मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मेरे पोतियां और मेरी बेटियां जब बढ़ने लगी और वो जिम्मेदार होने लगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. I didn't have to tell them to keep washing their face and combing their hair and putting on clean clothes. और मेरे को उनको हमेशा ये सिखाना नहीं पड़ा बेटियों बाल संवार के रखो चेहरा धो और अपने आप को अच्छा रखो अपने कपड़े को बदलो बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ी. As they grew in our family, they became more responsible. जब हमारे परिवार में वो बढ़ रही थी तो वो धीरे धीरे करके जिम्मेदार होती गई. Now they go everywhere with my blessing. और अब जहां भी वो जाती हैं, मेरी आशीषों को प्राप्त करके जाती हैं. That's what God is saying to you and me. He said, now, everywhere you go with my blessing. और परमेश्वर हमसे भी कह रहा है कि अब तुम जहां कहीं भी जाते हो मेरी आशीषों को लेकर जाओ. Okay, next point. अगला बिंदु. I want to talk about how we see the house of God. और फिर अब हम देखेंगे कि हम परमेश्वर के भवन को किस नजरिए से देखें. So we're going to look at the scripture in Genesis chapter 28, verse 16 and 17. और यहाँ पर हम लोग जो है उत्पत्ति के 26वें अध्याय में जाएंगे और वहाँ पर इस आयत को देखेंगे. Now you remember that Jacob was with his family and he was seeking God and he began to pray. So he laid down and went to sleep with his head upon a stone. और हम जानते हैं कि याकूब यहाँ पर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के लिए प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना करते करते विश्राम कर जाता है सो जाता है और पत्थर को तकिया बनाकर सोता है. And it says when he awoke from his sleep, he said, surely the Lord is in this place. And I wasn't even aware of it. उसने कहा जब वो नींद में से जागा तो उसने कहा वास्तविक रूप से यह स्थान परमेश्वर का स्थान है परमेश्वर यहाँ विराजमान है और मैं इससे वाकिफ भी नहीं था. Verse 17 it says, but he was also afraid and said, what an awesome place this is. और फिर उसके बाद वो इस बात को भी देखकर घबरा गया और उसने कहा ये कितना अद्भुत स्थान है. It is none other than the house of God, the very gateway to heaven. और वो कहता है ये परमेश्वर का भवन है और ये वो मार्ग है जो स्वर्ग की ओर ले जाता है. Did you realize that there is no building here?
और वो आप यहां पर अगर देखेंगे यहां पर कोई इमारत नहीं है. When we think of the house of God, we think of a building in which God meets his people. और कई बार हम जब भवन परमेश्वर की बात करते हैं, परमेश्वर के भवन की, हम सोचते हैं वो कोई इमारत है. But when Jacob met with God here, there was no building here whatsoever. और यहां पर जब याकूब की परमेश्वर से भेंट होती है, यहां पर कोई इमारत या मंदिर नहीं है. But he recognized this was the dwelling place of God. लेकिन वो इस बात को जान गया कि ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर विराजमान है. This is the gateway to heaven. और वो समझ गया कि ये स्वर्ग का मार्ग है. Now we accept that Jesus will always be the only gateway to heaven. और हम इस बात को भी जानते हैं कि स्वर्ग का मार्ग केवल यीशु क्रिस्त है. And we want to thank God for all the buildings and all the houses of prayer and all the structures that we meet in. We say, thank you, Lord, for that provision. और कई बार जब हम ऐसी इमारतों में आते हैं जो बड़ी बड़ी महंगी इमारतें हैं, हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, खुदा धन्यवाद, आपने हमें ये जगह दी है. But according to this scripture, the house of God is the gateway to heaven. लेकिन याद रखें, परमेश्वर की भाषा में या उसके वचन में जब परमेश्वर का भवन कहते हैं तो वो स्वर्ग के लिए मार्ग है. Not a building, not वो एक इमारत नहीं है. It was an experience and a relationship with God. वो एक अनुभव है जो परमेश्वर के साथ मुलाकात की. And Jacob saw the angels ascending and descending, and activity was taking place between earth and heaven. और जब याकूब वहां पर देखता है कि एक सीढ़ी पर सिर्फ फरिश्ते चलते हैं ऊपर और नीचे उतरते हैं, तो वो ये बात को जान गया, ये वो स्थान है जहां पर कार्यक्रम चल रहा है, परमेश्वर पृथ्वी से और पृथ्वी परमेश्वर से वार्तालाप कर रही है. Do you see this, that in Jesus Christ, we have been given the gateway to heaven. याद रखिए, यीशु मसीह में हमें वो मार्ग मिला है जो स्वर्ग से हमें जोड़ती है. And God is giving us access to be able to draw down from heaven and bring it down to earth. और याद रखिए, जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो हम परमेश्वर के पास जाकर उसकी बातों को लेकर पृथ्वी पर आते हैं. We are the people that have access to heaven. याद रखिए, हम वो लोग हैं जिनको स्वर्ग में जाने के लिए हमें अनुमति है. And the gates of hell shall not prevail against it. Amen. और याद रखिए, अधोलोक के फाटक इसके विरोध में खड़े नहीं हो पाएंगे. When the gates of heaven are open, that is, when Jesus Christ has come, the gates of hell shall not prevail. याद रखिए, जब यीशु मसीह कब्र में से जी उठा, शैतान की सारी ताकतें तोड़ी गईं और अंधकार की ताकतें अब कलीसिया और परमेश्वर के विरोध, लोगों के विरोध में नहीं आ सकती हैं. So every day I am walking around with access to heaven. इसलिए रोज बरोज जब मैं चलता फिरता हूं तो मेरे लिए स्वर्ग खुला है और स्वर्ग की बातें मेरे लिए उपलब्ध हैं. As it is in heaven, so it shall be on earth. और बाइबल में हम उस प्रार्थना में सीखते हैं, जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर पूरी होती है. And we are the people who should be bringing heaven down to earth. लेकिन हम वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है कि हम स्वर्ग को लेकर पृथ्वी पर आ जाएं. The miraculous is available because you believe in heaven's gate. आश्चर्यकर्म आपके लिए उपलब्ध है क्योंकि आप परमेश्वर पर और उसके बातों पर विश्वास करते हैं. Okay, number six. और छठवीं बात. I want to talk to you about where you sit and your position in Christ. और मैं ये बताना चाहता हूं कि आप कहां बैठे हैं और आपके स्वर्ग में स्थान क्या है, आपका औदा क्या है. And we look at that in this scripture in Colossians. और ये कुलुसियों की पत्री में हम इसको पाते हैं. This is the position that I sit in my life. I am seated in heaven with Christ. और यहां पर हम देखते हैं मेरा जो औदा है या मेरा जो स्थान है वो मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थान है. Therefore, I need to set my sights on the realities of heaven. इसलिए मेरी जो क्षमता है वो स्वर्ग की हकीकत पर निर्भर है. Just where Christ sits in that heavenly place. और वो स्थान जहां पर मसीह यीशु स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है. It says in verse 2, think about the things of heaven, not the things of earth. और वहां पर वो हमें प्रोत्साहित कर कहता है, इसलिए स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, पृथ्वी पर की नहीं. Why? क्यों?
For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. अब वो कहता है क्योंकि तुम इस पृथ्वी के लिए मर चुके हो और तुम्हारी जिंदगी मसीह यीशु में छिप गई है. In one sense, Christ is in me. एक अर्थ में देखा जाए तो मसीह मेरे अंदर है. But in another sense, I am in Christ. लेकिन दूसरे अर्थ में मैं मसीह में हूँ. God is around me and He is within me. और इसका मतलब है परमेश्वर मेरे इर्द गिर्द भी है और परमेश्वर मेरे अंदर भी है. So when you see me, you just maybe see my physical form. और कई बार आप जब मुझे देखते हैं तो आप मुझे केवल शारीरिक रूप से देखते हैं. But everywhere I go, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit Hallelujah. goes with me. लेकिन मैं जब कभी भी इधर उधर चलता फिरता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मेरे द्वारा इधर उधर चलती रहती है. Can you imagine what that means, having the presence of God with you everywhere you walk? इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या, जहाँ कहीं भी आप चलते फिरते हैं, परमेश्वर आपके संग चलता फिरता है. Every person that you touch is being affected by the kingdom of God. हर एक व्यक्ति जिसके ऊपर आप अपने हाथ को रखते हैं, वो परमेश्वर के राज का असर उसके ऊपर आ जाता है. Every greeting that you bring to people, bring as a word from God. और जब कभी भी आप किसी को सलाम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो आप परमेश्वर के सलाम दुआ को उन तक पहुंचाते हैं. Because God lives in His people. क्योंकि परमेश्वर उनके लोगों पर विराजमान है. He said, "I will live in them and walk in them, and they will be my people." और परमेश्वर ने कहा, मैं उनके अंदर आऊँगा और वो मेरे लोग कहलाएँगे और मैं उनके द्वारा चलूँगा और फिरूँगा.